दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों उपस्थित हैं आज आपको एक अपनी नई ऑफिस दिखाने के लिए, जो आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे जो बैनर पे लिखा हुआ साफ है। आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे सवाल जो हैं उन तमाम सवालों का जवाब देने, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के माध्यम से जो योजना चल रही है उसके अंतर्गत आप हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आवेदन करवा सकते हैं, और हमारे ऑफिस का जो एड्रेस है, पता है क्या है, वो सब कुछ आपको बैनर पे दिखाई देगा। जैसे आप एंट्री करेंगे सबसे पहले आपका स्वागत होगा हमारे रिसेप्शन काउंटर पे, जहाँ आने के बाद आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को रिश्ते के बारे में जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे जब भी आप आएंगे सर या मैम यहाँ पे बैठे होंगे, जो आपकी समस्याओं को सुनने के बाद जो भी हो सकता है बेहतर एक उपाय या सोल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो में। थोड़ा समय कम है इसलिए पढ़ के नहीं सुना सकते, बहुत चीजें आपको आज की डेट में बहुत कुछ दिखाना है। और साथ में दोस्तों बताना चाहेंगे कि आपके मन के अंदर जो डाउट है, जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, या हमारे साहब लोग, सर लोग, स्टाफ लोग, या हमारे ऑफिस के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर साहब हैं, सब नोट करके रखे हुए हैं। तो आप लोग कहीं कहीं तैयार हैं आज की डेट में? हाँ, सबसे पहले आपका क्या सवाल था सर? मेरा सवाल है सर, आपके यहाँ किसका किसका रिश्ता हो सकता है? अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा ऑफिस का टूर भी दिखाएंगे, साथ में जो सवाल है एक एक करके उसका उत्तर भी देते चले जाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ किन किन का किस किस का रिश्ता होता है जी? तो देखिए सर, हमारे यहाँ पे सभी जात, सभी कास्ट, सभी ब्रदर के, हर एक परिवार के, हर एक टाइप के, चाहे कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो, सभी लोगों का हमारे यहाँ पे रिश्ता होता है जी। फिर आप भारत के किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य, किसी भी जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, बस उसमें टर्म एंड कंडीशन सिर्फ दो है। एक तो उम्र आपकी जो है कम से कम जो महिला है उनकी 18 प्लस होनी चाहिए, या जो पुरुष है उनकी 21 प्लस होना चाहिए, और 50 साल के 50 साल के अंदर उनकी उम्र होनी चाहिए। ये मेल फीमेल दोनों में कंडीशन लागू होता है। फिर आप किसी भी राज्य, किसी भी धर्म, किसी भी स्टेट, किसी भी समुदाय, कोई भी जात बिरादरी, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, देखिए कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं ए टू जेड कहूँ तो ज्यादा बेहतर है। उम्र का सिर्फ आपको ख्याल रखना है, उम्र 21 और 18 से ऊपर हो और 50 के अंदर हो। सर हमारा ये सवाल है कि आप शादी भी कराते हैं सिर्फ रिश्ता ही देते हैं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सर। मैम का जो कहना था कि सर आप शादी भी कराते हैं कि सिर्फ रिश्ता वगैरह, ना तो आइए उस चीज के बारे में हम स्पष्ट कहें कि हमारे यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ शादी विवाह के रिश्ते लगाने का कार्य होता है, ठीक है। सरल शब्द में कहें तो सिर्फ अगुवाई वाला काम या शादी विवाह के रिश्ते लगाने का काम होता है, क्योंकि जो शादी विवाह कराना होता है वो कहीं कहीं जो, आइए मैं प्रमाण दिखाता हूँ आपको। देखिए रिश्ता लगाना जो काम है वो रिश्तों की दुनिया का है। सरल शब्द कहे रवि कुमार का काम या मेरा काम या हमारी संस्था का काम है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ शादी विवाह के रिश्ते लगाने का कार्य करते हैं, और सरल शब्द कहे कि इन्फॉर्मेशन या सूचना देने का कार्य करते हैं। भाई साहब फलाने व्यक्ति की पार्टी ए है, उनकी बहन है, पार्टी बी की भाई है, आप दोनों लोग एक दूसरे को जानकारी देते हैं, कृपया एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर। लेकिन जो शादी कराते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा काम सिर्फ रिश्ता कराना, शादी कराना, भाई साहब ये बाजे वाले ना उस दिन सम्मिलित होते हैं, ओ पीटो नाचो, ये प्रमाण होते हैं भैया आपकी शादी हो रही है, ठीक है, ये ठेका लेते हैं, गारंटी लेते हैं, सट्टा लेते हैं, ठीक है, एडवांस लेते हैं, भैया पैसा दो शादी में तुम्हारे आएंगे बाजा बजाएंगे, ये शीश महल जिसपे गोला रथ जिसको कहा जाता है वो दूल्हा सवार होता है कि आई एम आज टूडे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आपके गांव में, हम गाड़ी घोड़े पे। भाई साहब बातों को मजाक में ले लीजिएगा, सीरियस मत ले लीजिएगा, ठीक है। मैं वास्तविकता आपको बताऊं भाई साहब, फोर व्हीलर वाला जो है ना पैसा इस बात के लिए, भाई साहब आपके विवाह के दिन हम आएंगे और कुछ कार्य में जितना हो सकेगा हम सहयोग करेंगे, ठीक है। जो पंडित जी होते हैं ना, ये जो पंडित जी है ये भाई साहब कहेंगे कृपया आप गांठ बांधिए, सात फेरे लीजिए और एक बार घी डाल के जी स्वाहा कि भाई साहब कार्य जो है संपन्न हुआ, सात जन्म तक आप साथ रहिए, ये प्रमाण होते उस दिन का, ये आपका शादी करवाते, ये भाई साहब उनका काम ही है ना शादी करवाना। और ये डीजे वाला भाई साहब 10,000 लूंगा, 4 घंटे सिर्फ चलाऊंगा, एक घंटा ज्यादा कहो के बोले को 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दो, इन लोग का रहता नहीं रहता है कहते हैं तो भाई साहब। और ये ब्यूटिशियन जो होती है
वो मेकअप वगैरह दुल्हन को तैयार करती हैं, और जो मेहंदी लगाने का काम फोटोग्राफर जो होता है भाई साहब उस दिन का साक्ष होता है, एविडेंस के रूप में आपकी हर एक गतिविधि को कैमरे में रिकॉर्ड करता है ताकि आप फ्यूचर में उसका एंजॉयमेंट ले सको। ये सब प्रकार की जो फैसिलिटी जो होती है, जयमाला वगैरह डेकोरेशन को हो गया, मैरिज हॉल हो गया, भाई साहब ये सब लोग मिल के आपका शादी का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन ये सब लोग उस दिन एकत्रित होते हैं जिस दिन आपका रिश्ता फिक्स हो जाता है, और रिश्ता फिक्स कौन करवाता है सरल शब्द में कहें तो आप सभी लोग या हम सभी लोग। ठीक है, चलिए दूसरा कोई सवाल हमारे सर भी कुछ क्वेश्चन लेके, बिल्कुल पूछिए बिल्कुल। सर आपका क्वेश्चन क्या है? जी सर, हमारा क्वेश्चन यही है सर, हमारे यहाँ लोकल क्लाइंट जब आते हैं बिल्कुल तो पूरा सर नाम पूछते हैं, पहले क्वेश्चन यही करते हैं हमारे नाम बताइए सर, आपका नाम क्या? अच्छा हमारा नाम, हाँ जी आपका। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रवि कुमार, मेरा पूरा नाम भाई साहब की खान सर का एक वीडियो आपने देखा होगा बिहार पटना के, और बोलते भाई साहब नाम में क्या रखा है। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा लोग जो बोलते भाई साहब नाम में क्या रखा है, हम जो है आप उससे पहचानिए, और ये बात नाम में कुछ मेरा बहुत बड़ा कुछ नाम भी नहीं, मैं आपको कुछ उसमें हाइड करूं प्लस माइनस करूं, नाम मेरा रवि कुमार है। मैं साल भर पहले बताता हूं, मेरे मार्कशीट आधार कार्ड पैन कार्ड पर सब कुछ वही लिखा है। तो भाई साहब सर आप लोग और भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे, दूसरे राज्य के लोग भी हमारे ऑफिस में आ सकते हैं क्या सर? बिल्कुल हाँ सर, आपने बहुत सही सवाल किया, कैमरामैन थोड़ा पीछे आइए। क्या दूसरे राज्य के लोग हमारे इस ऑफिस में शादी का रिश्ता आके ले सकते हैं? नहीं ले सकते। चलिए ठीक है, ये कहाँ की फाइल है? ये है, थोड़ा कैमरामैन भैया फोकस कीजिएगा, तो झारखंड की फाइल है, ऑलरेडी हमारे पास रिश्ते हैं तो जाहिर सी बात है आप आके ले सकते हैं। और कहाँ कहाँ की फाइलें हैं? ये कहाँ की भाई साहब? असम, असम तो डॉक्टर साहब मैं कभी गया ना झारखंड गया, लेकिन फिर भी रिश्ते हैं। अरे अपने पास सरल शब्द में कहें भाई साहब हमारे यहाँ आप किसी भी स्टेट किसी भी राज्य से हैं आके, ये देखिए पंजाब चंडीगढ़ है लिखा हुआ है, शायद आपको साफ स्पष्ट ना दिखाई दे, ठीक है। ये देखिए ओडिशा का भी रिश्ते हमारे पास है, ऐसा नहीं किसमें रिश्ते हैं भाई साहब, कहीं के कम है कहीं के ज्यादा। अभी देखिए पंजाब के रिश्ते कम से कम हमारे पास बहुत सारे, ये देखिए इतने रिश्ते हैं 60 से 70, ये लड़कियों के रिश्ते हैं, और इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए केरला के हैं, ठीक है केरला के रिश्ते इतने हमारे पास है 15 से 20 है। उत्तर प्रदेश के भाई साहब 250-300 रिश्ते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश कैमरामैन एक बार थोड़ा दिखाइएगा, उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर मैं रिश्ते की बात करूं तो भाई साहब इतने रिश्ते हैं कि शायद ये देख रहे हैं आप भाई साहब ये रिश्ते हैं, इसको थोड़ा आप रख लीजिए ना अलग हो जाएगा, आप रख लीजिए सर, करण सर आप रखिए अपने पास। ये देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के रिश्ते हैं, और कहाँ के हैं ये देखिए केरला तमिलनाडु के, और ये कर्नाटका के रिश्ते हैं, और ये असम का है। इस प्रकार से सरल शब्द में कहूं भाई साहब हमारे पास ऑल ओवर इंडिया भारत में आप किसी भी राज्य किसी भी जिले किसी भी जाति किसी भी धर्म के आप रहने वाले, फिर आप किसी भी स्टेट के यूपी बिहार महाराष्ट्र केरला तेलंगू कहीं के भी भाई साहब सब जगह के लिए हमारे पास रिश्ते उपलब्ध है, लड़कियों के और लड़के के दोनों लोग को, मेल फीमेल को दोनों रिश्ते। सर मैम का कुछ सवाल है, मैम आइए जी बिल्कुल पूछिए। सर हम ये पूछना चाहते हैं आपके ऑफिस आने पर जो लोग आएंगे उनको तुरंत रिश्ता मिल जाएगा? हाँ 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 बिल्कुल। अक्सर कई लोग कहते हैं कि सर जब हम आपके ऑफिस आएंगे तो क्या तुरंत रिश्ता मिल जाएगा क्या, जैसे लोग बाहर से फोन करते हैं कि सर हम आपको ऑफिस आएंगे, हो सकता है आपके मन में ये सवाल चल रहे हो कि आपको ऑफिस आए कि तुरंत रिश्ता मिलेगा कि नहीं, इसमें हम आपसे कहना चाहेंगे देखिए भाई साहब शादी ब्याह के रिश्ते खोजने का या रिश्ते लगाने का काम बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, आपको ऑन द स्पॉट मतलब तत्काल रिश्ता नहीं मिल पाएगा कि आप आए और आपको हम कहें भैया ये लो रिश्ता ले लो, भाई साहब ऐसा संभव नहीं, ऐसा सिर्फ सपनों में संभव है कि लड़की को सीधा लड़का पकड़ा दो जी, या तो लोग बेवकूफ बनाएंगे बोलेंगे 1.5 लाख रुपए दो एक हफ्ते में शादी कराएंगे, और लास्ट के दिन मालूम क्या होगा ये दुल्हन जो है ना बोलेगी आती हुई दो नंबर माता पिता की तबियत खराब है दारू दवा लेकर कुछ आती हो रिक्शे में से गायब, और दूल्हा बोलेगा भाई साहब मेरे साथ में धोखा हो गया। तो भाई साहब इस भरम में आप मत रहिए, आपका ऑन द स्पॉट अगर कोई व्यक्ति कहता है हम रिश्ता करा देंगे तो संभव नहीं है। हाँ इसमें आपको समय देना पड़ेगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन आपका समय देना पड़ेगा, आप आइए जानकारी पूरी आप हमें दीजिए, हम आपके लायक हफ्ते से 10 दिन के अंदर में जो है बेस्ट से बेस्ट जो है रिश्ता खोज का आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट आप मतलब तुरंत तत्काल ये मत आप काउंट कीजिए। हाँ सर, सर कुछ सवाल है जी सर, हमारे क्लाइंट पूछते हैं सर कितने पढ़े लिखे हैं? ओ माय गॉड, ये मुझे लगता है कि
जी ओपन करके बताना उचित नहीं। आइए स्टूडियो में चलते हैं हम लोग। जी सर जी ठीक है आइए आइए। हाँ क्या लोग कहते हैं सर? सर क्लाइंट लोग पूछते हैं सर इतना अच्छा कार्य करते हैं जी वो पढ़े लिखे कितने हैं, थोड़ा हमको जानकारी चाहिए। अक्सर बहुत सारे लोग ने सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे कि आप जैसे मुकेश अंबानी जी को लोग कहते हैं कि दसवीं फेल है, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का भगवान कहे जाते हैं वो भी दसवीं फेल या दस तक पढ़े लिखे हैं, बिल गेट्स या बहुत सारे से ब्रिलियंट लोग हैं जो या तो हाई स्कूल तक पढ़े या इंटर तक पढ़े। ठीक है मैं सरल शब्द में कहूँ कि व्यक्ति के सक्सेस होने से या व्यक्ति अपनी लाइफ में कितना सक्सेस होगा कहाँ तक पहुंच सकता है इसमें एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। आप किसी कार्य को कैसे कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो काम छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जी जी आज टाटा बाटा जो जूता चप्पल ही बनाते लेकिन उनका बनाने का जो कॉन्सेप्ट है जो तरीका है वो डिफरेंस है। कार्य करने की क्षमता कार्य करने का तरीका आपको महान बढ़ाता है ना कि आपके पीछे एजुकेशन। हम ये नहीं कहते पढ़ा लिखा ही मतलब होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भाई साहब पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है लेकिन इसके बेस पर अगर कोई किसी व्यक्ति को जज करे कि नहीं ये बहुत आगे जाएंगे पीछे जाएंगे या ऐसा कुछ भी नहीं। और ये बात मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं भाई साहब आपको ओपन करके बताना चाहता हूं, मैं क्लास 12वीं तक पढ़ा लिखा हूं, उसके बाद IIT करके एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है, इंजीनियरिंग फील्ड का होता है, तो उसके प्रिपरेशन के लिए हम जो है लगभग 2 साल जो प्रिपरेशन कानपुर में किए हुए थे। वहां पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया 3740 रैंक लाने के बावजूद उस वक्त जो पिताजी की आर्थिक स्थिति वो इतनी आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया नहीं थी भाई साहब। पिताजी जो पेंटिंग का काम करने का कार्य करते थे, महीने का 300 दिहाड़ी हुआ करती था, 8 से 10 साल पहले वो अपना पेंटिंग का कार्य करते थे, उसी से कमा के हमको पढ़ाने के लिए भेजते थे। तो उस वक्त ऑल ओवर इंडिया में 3740 रैंक लाने के बावजूद, मैं कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूँ, लाने के बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज ना मिला और प्राइवेट कॉलेज में इतना मतलब हमारे पास आर्थिक स्थिति सही नहीं थी कि पिताजी हमारा किसी 10-5 लाख रुपए देके किसी एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सके। तो सरल शब्द में कहे तो क्लास 12वीं तक पढ़ा हूँ और बाकी आप समझ सकते हैं IIT का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया हूं, लेकिन अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस चीज को कहना उचित नहीं है। ठीक है चलिए। अच्छा दोस्तों आइए आपको ऑफिस का पूरा टूर कराएंगे भाई साहब। ऑफिस बड़ी लंबी चौड़ी है और तमाम प्रकार की सुविधाएं कहीं कहीं अभी हम आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं। हाँ और कुछ आपके सवाल है सर? क्लाइंट लोग कहते हैं क्या सजाती और अंतरजाती भी रिश्ता कराते हैं सर क्या? हाँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो आपका है। देखिए सर जो सजाती है और अंतरजाती का जो रिश्ता कराने का जो आपने सवाल किया है ये डिपेंड करता है कि जो लड़की पक्ष वाले और लड़का पक्ष वाले क्या एक दोनों लोग आपस में सहमत है कि नहीं। अगर लड़की लड़का पक्ष वाले सहमत है, अंतर जाति विवाह है मतलब कोई यादव परिवार कोई ब्राह्मण परिवार है कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है तो हम करा सकते हैं लेकिन दोनों की सहमति होना अनिवार्य है बिल्कुल। और सजाती तो फिर कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। हाँ आप में से कोई अगर व्यक्ति ऐसा है कि आपकी आप मेल फीमेल है शादी तो करना चाहते हैं लेकिन आप में भी जाति या धर्म का मतलब बाउंडेशन है या फिर कुछ दिक्कत समस्या है तो डेफिनेटली आप इस मामले में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आप दोनों पार्टियों से जो है आपके दोनों गार्जियन से बातचीत करके हो सकता है कि आपका रिश्ता सेटलमेंट कराने में सफल हो, हम कोशिश कर सकते हैं। हम इसके खिलाफ भी नहीं है और हम सहयोग भी खुल के ये नहीं करें हम मतलब अपने रिस्क पे लेके करा देंगे लेकिन दोनों पार्टियों को समझाने बुझाने का कार्य मध्यस्थता या मीडिएटर का काम जरूर कर सकते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है सर? मैं कुछ सवाल लेकिन सर हमारे ये सवाल है कि क्या लोगों को दहेज लेना चाहिए? हाँ ये सवाल आपने बहुत बढ़िया किया। देखिए खासकर ये अपने इंडिया में चलता अपने भारत में चलता है, आपने लंदन अमेरिका US कनाडा किसी भी देश में ऐसा नहीं सुने होंगे। हाँ कुछ देश हैं जैसे तंजानिया हो गया और भी ऐसे बहुत देश हैं और अर्की टर्की कैसे कुछ ऐसे देश हैं, सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, कुछ ऐसे देश हैं जिनका भी नाम नहीं आ रहा, वहां पे ये दहेज प्रथा बहुत जोरों शोरों पे चल रही है। अपने भारत में जिस हिसाब से अभी है स्थिति नॉर्मल है, हमारे यहाँ पे लगभग दिन के 400 फोन आते हैं, सॉरी 2000 ग्राहकों के फोन आते हैं पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों उसमें से 90% लोग जो कहते हैं भाई साहब हमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं चाहिए, लड़की गरीब हो पढ़ी लिखी भी ना हो एक रुपया नहीं चाहिए, अगर
शादी विवाह में अगर पैसे देने की बात हो, शादी विवाह हम अपने दम पे करेंगे, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे सब्सक्राइबर, हमारे जो ग्राहक है वो खुद कहते हैं, तो मेरे भी दिल दिमाग में कहीं कहीं पहले ये बातें हुआ करती थी कि यार लोग दहेज बहुत मांगते होंगे, लेकिन वास्तविकता जो है वो आज की डेट में ये है कि लोग जो दहेज के प्रति जागरूक हैं, और अगर इसमें अगर खुलकर कहें तो भाई साहब आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, आप कम पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े लो, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, एक माँ बाप जो गार्जियन है, अपनी बहन बेटे को आपके साथ में अगर शादी विवाह कर रहे हैं, आपके जीवन साथी के रूप में आप तक सम्मिलित कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता। और रही बात गाड़ी घोड़ा पैसे का, या फिर ये जो दहेज में 1,000-2,000-4,000 लाख लेने की बात करते हैं, आपके अंदर दम है तो कमाओ और उस चीज से अपनी शौक पूरी करो, ना कि किसी माँ बाप के को परेशान करके किस्त पे, लोन पे गाड़ी या जो भी चीज दहेज में लोग लेते हैं। अगर आपके अंदर ताकत है, काबिलियत है, तो अपने दम पे हासिल करो ना गाड़ी घोड़ा जो भी आपको लेना है। किसी के दे रहे, मैं अगर आपको 1,00,000 रुपए दे दूं तो क्या आपका जीवन कट सकता है? लेकिन अगर आप में दम होगा, हिम्मत होगा, क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, मतलब क्वालिटी होगी, भाई साहब आप महीने 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं। मेरे देने से आपका जीवन नहीं उचित होगा। तो इस चीज से मैं सभी नौजवानों को कहना चाहूंगा भाई साहब, और उन गार्जियन से कहना चाहूंगा जो गार्जियन आज के डेट में अपने आप लोग को बोलते, अरे मेरा बेटा तो गवर्नमेंट जॉब पा गया है और बेटी की शादी खुशी में करवाएंगे, जो चार चक्का देगा, अरे भाई साहब जो चार चक्का दे सकता है वो आपकी बेटी की जिंदगी को खरीद सकता है, और वही औरत चल के कल के डेट में आपके हस्बैंड को, आपके लड़के को नौकर समान रख सकती है, और ऐसा आज के डेट में, ऐसा आज के डेट में हो भी रहा है। तो भाई साहब ये जो नजरे है ना, इस चश्मे को हटाओ, दूर दृष्टि देखो। लड़का कम पढ़े लिखा हो, गरीब हो, चलेगा, लेकिन व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो आपकी बहन बेटी को जिंदगी भर रानी रानी बना कर रख सकता है। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ सोच लिया तो भाई साहब जीवन तबाह हो जाएगा। सर क्वेश्चन, बिल्कुल कहिए सर, बिल्कुल कहिए जी। सर हमारे लोकल क्लाइंट बोलते हैं सर, फोन करके कॉलर लोग ये बोलते हैं सर ऑफिस का समय बताइए हमको, ऑफिस आना है रिश्ते लेने के लिए। देखिए भाई साहब, हमारे ऑफिस जो टाइमिंग है, ओपनिंग का, क्लोजिंग का, सुबह 10 से लेकर शाम को 6 होता है। लेकिन बाहर का कोई भी ग्राहक, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरला, कहीं का कोई भी ग्राहक अगर एंट्री करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो भाई साहब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप जो है दोपहर के 12 से शाम के 4 बजे के बीच में ही ऑफिस में एंट्री कीजिए। यह समय ऑफिस का निर्धारित किया गया 12 से 4, ठीक है? हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा एक मिनट रुके रहिए सर, आप लोग तो मीडिया वालों की तरह सवाल पे सवाल कर रहे हैं। अरे हमें ग्राहक को दिखाने दीजिए कि ये जो सिस्टम है किस प्रकार से रन कर रहा है। जैसे अभी सर फोन पे हो सकता है बात करें, मैडम जानकारी दें, किसी शादी के रिश्ते के सिलसिले में यहाँ पे बात चलू भाई साहब सारे। अच्छा आप लोग जो फोन करते हैं वो कहीं ना कहीं सर मैम के माध्यम से पेन पेपर पर सारी चीजें नोट की जाती है भाई साहब? हमारे यहाँ पे हर एक चीज का रिकॉर्डिंग होता है, नोट डाउन होता है, पूरा सिस्टम यहाँ पे बैठा है। आज के डेट में कितने लोग कार्य कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कार्य कर रहे हैं, कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन है। 1% आपको कोई भी चीज लीगल या अनलीगल या फर्जी नहीं आपको दिखेगी। मैं पूरा सिस्टम इसके लिए दिखा रहा हूँ। आप पूछिए आपको क्या कहें। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आप कैसे हो, क्या आप कैसे हो, क्या सर्विस उपलब्ध कराते हैं सर? सर हम जो है शादी विवाह के रिश्ते का कार्य करते हैं, और हमारे यहाँ पे एक छोटी सी फीस लेने के बाद, मान लीजिए आपको अगर अपने लिए जीवन साथी चाहिए तो आपके लिए एक सिंपल सा काम करना है, चाहे आप ऑनलाइन ले ले चाहे ऑफलाइन ले लीजिए, ठीक है? आप हमारी जो फीस वो हमें पे कीजिए, हमारे संस्था को आप पे कीजिए, आपके लिए हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। और अगले दिन से, जैसे मान लीजिए आज आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, तो कल से हम आपके लिए जीवन साथी खोजना स्टार्ट कर देंगे। सरल शब्द के तो शादी विवाह के रिश्ते लगाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सर, हमारा क्वेश्चन है, लोग सरकारी लड़का ही क्यों खोजते हैं, नौकरी वाला? जी क्या कहने, क्या मैम जी, लोग नौकरी वाला ही लड़का क्यों ढूंढते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अक्सर लोग जो है ना गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसमें उनको लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का जो है गवर्नमेंट जॉब में है, और गार्जियन को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब वाले से व्यक्ति से हम साथ में अगर अपनी बहन बेटी की शादी करें तो लाइफ सिक्योर सेफ है। भाई साहब इस जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं। आज मैं पैदा हुआ तो 100% गारंटी के साथ में लिख कर दे सकता हूँ, आप कहीं भी लिखवा लो तो 100 साल के अंदर में मर जाऊँ। 100 साल तो मैं एडवांस में कह रहा हूँ, 20-30-40 साल के अंदर में मर जाने वाला, खत्म होने वाला हूँ। तो यही व्यक्ति की गारंटी है, यही मतलब सत्य है। और सत्य इस बात का नहीं कि आपके पास सरकारी नौकरी तो आप अमर हैं,
कोई आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी बहन बेटी सब लोग आईएएस पीजी डॉक्टर ही बनेंगे, उसमें कोई खराब नहीं होगा। भाई साहब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। हाँ, एक गवर्नमेंट जॉब होना कहीं ना कहीं जीवन ही आपका जो होती है, जो खाने पीने का पढ़ाई लिखाई का, थोड़ा उसमें एक आपको सहूलियत मतलब एक स्थिरता आ जाती कि हाँ भाई साहब पर मंथ इतना मिल रहा है, इसमें हम अपने घर के खर्चे को चला सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक नोट करने वाली बात है, जो भी व्यक्ति आज के डेट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब खराब है या बहुत बढ़िया है, मैं एक बता रहा हूँ जो ओपिनियन है, जो लोगों का राय है। यदि आप महीने का 40,000 रुपए कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टीचर महीने का 40,000 रुपए कमा रहे, तो भाई साहब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की, उस परिवार की, उन बच्चों की जो शिक्षा है, जो मतलब ग्रोथ जो है, वो 40,000 रुपए के अंतर्गत ही होने वाली है। आप बताइए उसका बाप कैसे, उस लड़के का या उस लड़की का बाप कैसे दिल्ली मुंबई यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है, जहाँ पे महीने की फीस ही 10,000 हो। आज के डेट में कुछ ऐसी संस्था, कुछ ऐसी कोचिंग है जो डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाने का पर मंथ का 5,000-6,000-10,000 रुपए उनका सिर्फ एडमिशन फीस है। आप बताइए जो व्यक्ति महीने का 40,000 रुपए कमा रहा है, जो गवर्नमेंट टीचर है, वो अपने दो बच्चों को कैसे मुंबई भेज सकता है कि जहाँ पे 20,000 रुपए महीने फीस है सिर्फ कोचिंग की, प्लस रहना खाना अलग से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में होना एक आपके लिए प्लस भी है और वहीं आपके लिए नुकसान ये है कि व्यक्ति की जो है सोच, जो ग्रोथ है, वो वही स्थिर रहती है। लेकिन प्राइवेट जॉबों में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब कर रहा है, मान लेते हो आज के डेट में 10-15-20 कमा रहा है, हम कह रहे हैं वो कुछ भी कर रहा हो, एक जूता चप्पल की दुकान ही क्यों ना खोला हो, जूता चप्पल अगर सी रहा है तो हो सकता है 10-15 हज़ार रुपया कमा रहा है, लेकिन कल के डेट में वो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन का काम कर दिया, शोरूम खोल दिया, तो भाई साहब वो महीने का 10 लाख भी कमा सकता है। तो ये जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए जो लोगों की सोच है कि सरकारी जॉब वाला ही लड़का अच्छी, भाई साहब मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा जितना हो सकता है कि आप सुविधा देख रहे हैं सरकारी जॉब वाले लड़के में, उससे कहीं ज्यादा काबिलियत हो सकता है एक प्राइवेट बिजनेसमैन में या प्राइवेट जॉब में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम को दिल दिमाग से खत्म कीजिए। जी सर, बिल्कुल का क्वेश्चन है। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही है सर, अगर कोई आपसे मिलना चाहे ऑफिस आके, बिल्कुल मिल सकते हैं, आप चाहो तो इसी दौरान मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, हम तो आपका खुले हाथों से आपका स्वागत कर रहे हैं। और रही बात टाइमिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप आइए ऑफिस में, आइए मिलिए। हाँ, थोड़ी सी समय की कमी रहती है अभी, एक्चुअली दो और भी जो हमारे प्लान्स है वो चल रहे हैं, दो और भी जगहों पे जो है संस्था ओपन होने वाले, तो इस सिलसिले में थोड़ा बहुत जो है जैसे बिजीपन ज्यादा रहता है तो कम ब्रांच में बैठ पाता हूँ। हाँ, लेकिन जब आप आएंगे, अगर मैं हूँ तो डेफिनेटली, अगर समय है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट किसी से मीटिंग नहीं है, तो डेफिनेटली हम आपको समय देंगे और आपसे मिलेंगे जरूर। क्वेश्चन है सर कि आप अपनी शादी कब करेंगे और किससे करेंगे? सर मैं अपनी शादी जल्दी करने वाला हूँ, ठीक है, किससे करूंगा ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक देखे ताके ही नहीं है। हाँ, करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है, जब करेंगे तो हम आप लोगों को बता देंगे और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको ही बताएंगे, ठीक है। हाँ, लोगों को मन में रहता है कि सर नहीं, हम जब भी शादी करेंगे तो आप सभी लोगों को इनवाइट करेंगे और आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से क्या कहते हैं न्योता भेजवाना ना। अरे भैया हमारे भोजपुरिया भाषा में यूपी बिहार में न्योता भेजवाओ का है, निमंत्रण कार्ड, इनविटेशन कार्ड आप सभी लोगों को हम सूचित कर देंगे। अभी फिलहाल ऐसा कुछ प्लान नहीं है, अभी ऑफिस में प्लस बहुत सारे फ्यूचर के जो प्लान्स, उनमें थोड़ा बिजी है, इसलिए पर्सनल जो डिसीजन उसको थोड़ा होल्ड पे रखे हैं। ठीक है सर, अब दोबारा आप मत पूछेगा, आपने कई बार ये सवाल आपसे पर्सनली भी डिस्कस किया है डॉक्टर साहब। सर ये लोगों का सवाल है, आप महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने के यही कुछ 2-3 हज़ार रुपए, जिसमें हमारा गुजारा बसारा चल जाए। ये एक पर्सनल सवाल है, इसके ऊपर भी हम एक पर्सनल जो है वीडियो बनाएंगे, जिसमें सारी चीजें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और फिलहाल अभी इसके बारे में कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी छोटे स्तर से एक थोड़ा बड़ा स्किल अभी हम अभी मतलब सिस्टम डाले हैं, तो अभी कहीं ना कहीं जब तक इसमें 1 साल नहीं गुजर जाएगा तब तक हमें एक्चुअली अनुभव नहीं हो पाएगा कि वास्तविकता कितना है। अभी तो डर लगता है इस बात का, कहीं अपने जेब से ही कुछ लगाना ना पड़ जाए, कहीं से कर्ज जो अभी कर्ज लिए है, कहीं एक्स्ट्रा कर्ज लेके भी सब कार्यक्रम ना आगे बढ़ाया जाए, तो इस चीज के बारे में हम आगे आ सकते। अच्छा, जो भी चीजें मैं आपको कह रहा हूँ सर जी, पूरे एडवांस ग्रुप में प्रूफ के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑन कैमरे कैमरे के सामने कुछ और है और लोग हमारे कुछ और कहते हैं, भाई साहब यह प्रमाण एविडेंस है उस बात का कि 2000, देखिए हमारी संस्था के माध्यम से 2 प्रकार के प्लान उपलब्ध है। हाँ, बहुत सारे लोग आज के डेट में सोशल मीडिया पे हमारे नाम से फेक अकाउंट, फेक चैनल बना के लोगों को गुमराह करते हैं कि 5,000 दे दो, 36,000 दे दो, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, मैं सामने खड़ा हूँ ना आपके सामने, ये देखो प्रमाण है आपके सामने, संस्था में सिर्फ 2 ही प्रकार के प्लान है,
पहला प्लान है 2131 में कितना रिश्ता, 12 रिश्ते, कितने घंटे में, 12 घंटे में देने कहते, 24 घंटे में देने कहते, लेकिन उसका समय सीमा जो है थोड़ी सी बढ़ा दिए हैं, कितना 24 घंटे के अंदर में देने के लिए कहते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 48 घंटे अगर हमारे पास ऑन द स्पॉट उपलब्ध है, नहीं तो फिर आपसे हफ्ते 10 दिन का समय ले लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है 5,100 रुपए का टोटल जो प्लान है वीआईपी पार्क, इसके अंतर्गत आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं और इसके अंतर्गत अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आप सिर्फ घर बैठे ही रिश्ता ले सकते हैं। 2,100 के अंतर्गत आपको ऑफिस आने की आपकी परमिशन नहीं है, लेकिन वीआईपी प्लान के अंतर्गत आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, चाहे तो घर बैठे ही रिश्ता ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ आप पूछना चाहेंगे सर? जी सर, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप दोस्तों कुछ और जानकारी चाहिए तो कैमरामैन भैया दिखा रहे, आप इनमें पढ़ लीजिएगा जी। कहिए। मैं कह रहा हूँ सर, गार्जियन जो लोग कुछ मन में डाउट शंका बना रहता है, परेशानियां बनी रहती है, आप उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं सर? हाँ सर, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। भाई साहब, मैं तमाम गार्जियन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप इतनी बड़ी संस्था देख रहे हैं जहाँ पे आज की डेट में लगभग 50 लोग आज की डेट में जो है जॉब कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों जो डाउट करते हैं ना, वो लोग डाउट इस बात के लिए करते हैं कि यार हम अपने बहन बेटी का रिश्ता जानकारी तो दे, लेकिन ये व्यक्ति कहीं और साझा ना कर दे, क्या इनका ऑफिस है, क्या इनका ब्रांच है, क्या इनके ऑफिस में कितने कार्य करता है, क्या काम करते, उसमें मेल है कि सिर्फ पुरुष ही है, तमाम प्रकार के होते हैं। भाई साहब, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि दिल खोल के आप अपनी बहन बेटी का रिश्ता हमारे तक साझा कीजिए, जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। मैं सारी चीजें इस वीडियो में आज आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो बेफिक्र रहिए। जिस तरह से आप अपने बहन बेटी के रिश्ते के सिलसिले में अपने पड़ोसी, अपने जान पहचान से जानकारी साझा करते हैं, उसी तरह से आप बिना पैसे दिए लड़कियों और महिलाओं के लिए ऑल ओवर इंडिया की सर्विस फ्री है। कोई भी व्यक्ति अपनी बहन बेटी के रिश्ते के सिलसिले में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास सर्विस ले सकता है, सिर्फ फोन करके जानकारी दे दें, या ऑफिस आना चाहते तो ऑफिस आके आप जानकारी देकर अपने घर पे बैठिए, हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन के अंदर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एक नहीं 500 रिश्ता दिखाएंगे।